वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरद्वारा पंजा साहिब पाकिस्तान विखे जो एक खबर हुणे पता चली है, मन नूं बड़ा दुख लग्या है खबर सुन तो बाद कि किस तरीके दे नाल गुरद्वारा साहिब विखे एक शूटिंग फिल्म दी कराई गई और वो जोड़े पा के गुरद्वारा साहिब दे अंदर शूटिंग कर रहे आ। और जदों उत्थे गुरु नूं प्यार करन वाली संगत ने, सिख ने विरोध किया तो उस दे नाल भी वो बहस कर रहे आ। ये बड़ी मंदभागी गल आ और इसकी असी नखेधी करते हैं। अगर कोई धार्मिक फिल्म होवे, कोई गुरद्वारा साहिब दे नाल संबंधित कोई फिल्म होवे, सो उसकी शूटिंग मर्यादा दे विच रह के मर्यादा दा पालन करते हुए शूटिंग करन दे विच कोई हर्ज नहीं। पर इस तरह की बेदबी करनी और फिर उपर उस तो बाद इस तरह के आर्गूमेंट करने, मैं समझदा कि ये बहुत ही मंदभागी गल आ। और पाकिस्तान गुरद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी वालों इस दे उत्ते कोई एक्शन ना लिया जाना, ये होर उस तो वध मंदभागी गल आ। और पाकिस्तान सरकार वालों जो मनोरिटीज़ के धार्मिक स्थान है उन्हां दी कई बार इस तरह की पहले भी घटनावां हो चुकी। करतारपुर साहब गुरद्वारा साहब विखे भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज सुभाए मान सी उसके सामने डांस करते हुए वीडियो बनाई गई, पहले भी इस तरह दी घटनावां होईयां जिसकी असी पहला भी आवाज़ चुकी सी। लेकिन पाकिस्तान सरकार वालों उस दे उत्ते भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और हुण भी पाकिस्तान दी सरकार जिहड़ी चुप है, इस दे उत्ते वकाफ बोर्ड जिहड़ा वो चुप है। सो ये बड़ी विचारन दी गल है। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों असी इस दी कोर निंदा करते हैं और नाल ही असी पाकिस्तान अंबैसी नूं भी लिख रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार नूं भी इस दे उत्ते तुरंत संज्ञान लेना चाहिए ताकि इस तरह दीआं घटनावां ना वापरन। और मैं असी हिंदुस्तान सरकार, भारत सरकार के विदेश मंत्रालयों नूं भी पहुँच करांगे कि वो सरकार नूं उत्थे इस गल दे उत्ते सचेत करे कि अगे तो आने वाले समय के इस तरह की जिहड़ी घटना है।